जनपद उन्नाव की तहसील बागरमऊ के थाना क्षेत्र फतेहपुर चौरासी के अंतर्गत रामदेवी पत्नी रामबाबू विश्वकर्मा के अपहरण के बाद 11 मार्च 2020 को हत्या कर दी गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मृतकों के गांव दौलतपुर पहुंचा, जिसमें राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सुनील साजन, MLC सुधीर रावत, पूर्व मंत्री बदलू खां, पूर्व विधायक बागरमऊ श्रीमती मनीषा दीपक, पूर्व प्रत्याशी सदर उन्नाव आदि लोग मौजूद रहे और मृतका के घर पहुंचे। राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश ने कहा कि भाजपा सरकार हर जगह पूरी तरह से फेल है, किसी भी तरह का सुरक्षा की भावना आज तक जनमानस में पैदा नहीं कर पाई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।